नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर इलाके में हुए हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। सोमवार को शाम के समय नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहां फ्लैग मार्च निकाला गया। देर शाम कदमा थाना से यह फ्लैग मार्च निकाला गया, जो पूरे कदमा क्षेत्र का भ्रमण किया। नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में यहां फ्लैग मार्च निकाला गया था। वैसे इस दौरान सभी को घरों में रहने और शांति व्यवस्था कायम रखने में जिला प्रशासन के सहयोग करने की अपील की गई। जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर इलाके में प्रशासनिक बल के तैनाती में सड़क किनारे अतिक्रमण को मुक्त कर दिया गया। इस दौरान दर्जनों अतिक्रमित दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। बता दें कि यहां हुए हिंसा के बाद पूरे इलाके में धारा 144 लगाई गई थी, जो लगातार जारी है। जिला पुलिस बल के अलावे यहाँ रैफ के जवान भी तैनात है। वहीं सोमवार शाम को यहाँ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जहाँ सड़क के किनारे अतिक्रमित कर बनाए गए बड़ी संख्या में दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। जिले के उपायुक्त खुद यहां मौजूद रही। उन्होंने कहा कि तमाम अतिक्रमित स्थल को खाली करवाया जा रहा है। प्रशासन पूरे इलाके पर नजर रखी हुई है, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। प्रशासन किसी भी परिस्थिति में दोबारा यहां हिंसा नहीं होने देगी। छोटी साइड की दुकान थी जो शांति स्टाइल की थी, कल जो कोई एक दो जली हुई थी उसको सबको हटा के रास्ता क्लियर किया जाए। कार्रवाई हुई है वो कल ही हुई है जी मैम, और अरेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो शाम को 6 बजे के आसपास पता चलेगा। अब क्या स्थिति है मैम, क्योंकि ड्रोन से भी पूरी तरह से तमाम छतों की भी निगरानी की गई, तमाम चीज़ें हुई हैं। हाँ देखो, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आप प्रिकॉशनरी मेजर्स में अन्य बाकी सेंसिटिव जगह पे भी इस तरह की निगरानी रखते हैं। तो कल जो पत्थरबाजी हुई है उसको देखते हुए हमने आज ड्रोन से इसका स्कैनिंग किया है, ताकि इस तरह की रिपीटेशन इंसिडेंट्स को दोबारा नहीं हो। 144 धारा लगाई हुई है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फोर्स पर्याप्त रूप से यहाँ पर है, और जो भी एविडेंस बेस्ड कल्प्रिट्स थे उन लोगों को हमने अरेस्ट किया। कदमा के शास्त्री नगर इलाके में भड़की हिंसा एवं जमशेदपुर पुलिस प्रशासन के एक्शन में आने के बाद सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्यीय टीम सांसद विद्युत वरण महतो के नेतृत्व में जिले की उपायुक्त एवं एसएसपी से हालात का जायजा लिया। टीम में सांसद विद्युत वरण महतो के अलावे जेबी तुबी, लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण टुडू एवं जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष गुंजन यादव भी शामिल है। यह बैठक सर्किट हाउस में किया गया। उधर एसएसपी प्रभात कुमार ने भाजपा नेता अभय सिंह की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने कहा, दंगा भड़काने के मामले में अभय सिंह की संलिप्तता सामने आई है, जिन्हें विधि सम्मत गिरफ्तार कर मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि अब तक करीब 70 से भी ज्यादा लोग चिन्हित किए गए हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की गई है। दोषी जो भी होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। वही जो पार्टी की जो टीम यहाँ आई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो नेता हैं और जो अन्य संगठनों के जो हमारे सहयोगी संगठन हैं, उनके लोगों को निर्दोष किसी भी मामले में आरोपित नहीं किया जाए, और इस पर एक सहमति बनी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिन पर कोई एविडेंस नहीं है उनको इन केसों में आरोपित नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसे कोई नाम आए हैं और उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो उसकी समीक्षा वे स्वयं करेंगे। डीसी और उपायुक्त, डीसी और एसएसपी उसकी समीक्षा करेंगे और ऐसे लोगों को उस केस से बाहर करेंगे। रविवार को कदमा के शास्त्री नगर में भड़के हिंसा के बाद जमशेदपुर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में जुटी है। इसी कड़ी में सोमवार की सुबह करीब 6 बजे जमशेदपुर के करीब एक दर्जन थानों की पुलिस भाजपा नेता अभय सिंह के कासेडी स्थित आवास पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।
कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस उनसे दंगा के संबंध में पूछताछ कर रही थी। उन्हें बिष्टपुर थाना लेकर जाया गया था, जिसके बाद उन्हें MGM अस्पताल मेडिकल चेकअप के लिए लाया गया था। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जमशेदपुर के जोजोबेड़ा इलाके में टाटा मोटर्स द्वारा स्थापित किए जा रहे सोलर प्लांट में स्थानीय मजदूरों को नौकरी दिए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने टाटा मोटर्स कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया। इनके द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन जुलूस जोजोबेड़ा से निकाला गया, जो पैदल यात्रा करते हुए टाटा मोटर्स कंपनी के साउथ गेट पर पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। इस दौरान सभी ने हाथों में नौकरी दिए जाने की मांग की तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि टाटा मोटर्स कंपनी द्वारा जो सोलर प्लांट निर्माण करवाया जा रहा है, वहां 75% स्थानियों को रोजगार दिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि इससे पूर्व इलाके में बाहर के ठेकेदार से काम करवाया गया था और आधा अधूरा काम करवाकर बाहरी ठेकेदार भाग गया, साथ ही मजदूरों को वेतन भी नहीं मिला था। इस कारण अब स्थानीय ठेकेदार को काम और स्थानीय मजदूरों को ही काम दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग समिति ने कंपनी प्रबंधन के समक्ष रखा है। टाटा मोटर के जमीन पर सोलर प्लांट लगाई जा रही है। इस सोलर प्लांट में स्थानीय लोगों को नियोजन 75% हो, इसी को लेकर के आज हम लोग टाटा मोटर प्रबंधन से यह मांग रखने आए हैं। क्योंकि टाटा मोटर्स की जमीन है, सोलर प्लांट कोई और लगा रहा है, इसमें हम लोगों ने मांग किया है कि आप बाहरी ठेकेदारों को नहीं लाएं। जो बाहरी ठेकेदार आ रहा है, बाहर से मजदूर औने पौने में ला करके काम करा के भाग जाएगा। प्रोजेक्ट का नतीजा है, आज देख लीजिए टाटा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, बहुत सारे ऐसे बाहरी लोग आए थे जो काम करा करके भाग गए, मजदूरों का वेतन हम लोग को दिलाने पड़ा। तो इसीलिए ऐसा स्थिति यहाँ नहीं हो, अराजक स्थिति पैदा नहीं हो, वो मांग हम आज कहने आए हैं टाटा मोटर प्रबंधन को कि ऐसे लोगों को ध्यान में रखे और योग्यता जो स्थानीय ठेकेदारों का है, जो स्थानीय मजदूरों का है, उनके अनुकूल वहाँ काम दिया जाए, यही आज मांग हम लोग करने आए। मांग पत्र आज टाटा मोटर के प्लांट हेड के नाम से हम लोगों ने दिया है। वैसे अधिकारियों को हम धन्यवाद देते हैं जो आकर के हमारी मांगों को सुना है। अधिकारियों ने क्या कहा है कि इस पर हम लोग तत्पर हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे लोग स्थानीय लोगों को काम दे, वैसे ठेकेदार को नियोजित किया जाए जो स्थानीय हो। वैसे स्थिति में अगर नहीं मानी जाएगी तो आज हम इनसे फरियाद करने आए हैं, कल ये समूह जाकर के जहां काम हो रहा वहां अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग जारी रखेंगे। अखिल भारतीय मानव कल्याण सेवा समिति के द्वितीय कार्यकारिणी की बैठक एवं सम्मान समारोह का आयोजन जमशेदपुर में किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक मंगल कालिंदी शामिल रहे। संस्था के युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन कुमार साव ने कहा कि संस्था का एकमात्र उद्देश्य मानव कल्याण है, केवल मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह क्रियाशील है। संस्था शिक्षा के क्षेत्र में मेधावी छात्रों को आगे बढ़ाने हेतु मदद करती है। आज के इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में आगामी दिनों में देश भर में किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की गई, साथ ही मानव सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया गया। आज हम लोग अखिल भारतीय मानव सेवा कल्याण समिति का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का यह बैठक है और इसमें हम लोग पूरे 36 प्रदेश में हम लोग के संगठन कार्य कर रहे हैं, उसी को लेके हम लोग आगे की रणनीति कैसा है उस रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। और हम लोग खाली भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लगभग 6-7 कंट्री में भी हम लोग मौजूद हैं, दुबई में है, लंदन में है, बैंकॉक में है, ताकि वहाँ पे भी अगर किसी भारतीय को किसी तरह का दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर सके। और उसी कड़ी में आज हम लोग जमशेदपुर में बैठक कर रहे हैं। हम लोग का कार्य क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में है, महिलाएं लोगों को कैसे आगे लाया जाए, रूरल एरिया में कैसे कार्य किया जाए, उसको लेके हम लोग आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसी को लेके हम लोग का बैठक है। आज के लिए बस इतना ही, कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।